अगला अध्याय, गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि। पांच प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना करने के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा उंगलियों के उपयोग का वर्णन। जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा। जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, बरानने, आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्यों को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरुओं की सेवा में उपस्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता ना करे। तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करें। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो एक वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्ययुक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करें। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्व दोष रहित शुभ योग में गुरु अपने शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्न चित हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे। तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम में रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है तो वह पौरुषणिक कहलाता है। जो पुरचरण करके प्रतिदिन जप करता है उसके समान इस लोक में कोई दूसरा नहीं है, वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिवा का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए मौन भाव से बैठे, चित को एकाग्र करे तथा दहन प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया द्वारा संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप ऋषि, छंद, देवता, बीज,
शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है, ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीहा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पढ़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्ष पंक्तियों की एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप एक गुना फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है और मानस जप का फल 1000 गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे भी 100 गुना अधिक फल देने वाला होता है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप से भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप 1000 गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि से 10000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, रुद्राक्ष से 10,00,000 गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश के गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्ष की बनी हुई माला अभिचार कर्म करने में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रु नाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह माला से जप करें। वह जप किसी को दिखाए नहीं, कनिष्ठिका अंगुली जप के फल को क्षरित नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल 1000 गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में 1,00,000 गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप
अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीट करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ में लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जमाई लेना और कुत्ते और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा, पार्वती सहित शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते फिरते अथवा खड़े होकर जप ना करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में या अंधेरे में भी जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर, कुरकुट आसन में बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता में व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप में मेरी बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्रों के कथा अनुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया गया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसीलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक है तो प्रसाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इह लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन पतित और अंत्यश का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी वह मंत्र निष्फल नहीं होता। मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत रहता है। यह महामंत्र कभी किसी शत्रु का नहीं होता, यह सदा सिद्ध अथवा साथी ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का दिया हुआ भी मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित होकर सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्नयुक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध हो जाने पर
वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवता के प्राप्त होने पर भी मैं प्राप्त नहीं होता, परंतु मेरे प्राप्त हो जाने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं, वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रवर्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला होता है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हितों के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता है या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। प्रतीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने मंत्र का महत्व तथा उसके प्रयोग का विधान बताया, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था, वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड्भव शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाशबंधन को छीण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री तीन प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह सांभविष दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी दो भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को ही मांत्रिक दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रहण का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप में उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती है, तथा उसमें ना तो विद्या, ना शिवाचार, ना मुक्ति और ना सिद्धियां होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर
गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करें। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि यह परम शक्ति प्रबोधानंद रूपनी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है तब बाहर शरीर में कंप और रोमांच, स्वविकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसके गुरु के प्रति गौरव होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव, विद्या और गुरु के पूजन में समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमय। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव ना करे। गुरु आज्ञा दे या ना दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है वही शैव धर्मों का उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसे जिसने जान दिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिसे तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मभाव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को लांग नहीं सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय निधान का जानकर होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान ना हो जाए तब तक विनयाचार चतुर्मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करें। जब तक तत्व का बोध ना प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को ना कभी छोड़ें और ना किसी तरह भी उसकी उपेक्षा करें। जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि ना हो वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की
एक वर्ष तक परीक्षा करें, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष तक और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करें। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को प्राप्त नहीं होते वे ही संयमी शुद्ध और शिव संस्कार कर्म की योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने के लिए उद्यत रहते, अभिमान शून्य बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिर चित शौचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते, ऐसे आचार व्यवहार वाले दुई जातियों को मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्र का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों पतितों और वर्ण संकरों के लिए षड्वा शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। अगला अध्याय, समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोबा ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उन्हें सजाएं। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाएं। लाल रंग का सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडल में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसमें केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ में कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः 1 वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान चावल सरसों तिल फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करें। उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध पुष्प अक्षत कुश और दुर्वांकर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग के ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कलश के उत्तर दल में सूत्र आदि बिना झारी या गड़ुआ वर्धनी विशिष्ट जल पात्र शंख चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में
चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धिनी अस्त्र राज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अवनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। इसके बाद दैशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्त्रोत एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य और अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्याह वाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। देव देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। विश्वनाथ, दयानिधि, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को, जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो, अपने निकट बुलाएं। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंडल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो। उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल के कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाएं और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराएं। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से तारण करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। गुरु पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाएं और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखें। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखें और शिव मंत्र का उच्चारण करें। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करें। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा लें। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करें। तत्पश्चात
महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संघान करें, फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करें, साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करें। मूल मंत्र के तर्पणों के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुति देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दें। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्र वेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डालें। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातितः वैश्य का उद्धार करें। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करें। फिर इस तरह क्षत्रियत्व का उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातितः क्षत्रिय का उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्रतत्व की स्थापना करे। फिर शिष्य का पोषण और ताड़न करके उसमें आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदनंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्र उच्चारण पूर्वक वायु का रेचन करें। वायु का निहसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उस नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देखकर गुरु 3 बार आहुति दे, पूर्णहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश या फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिक आसन में स्थित करें। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे, गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घटक को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़कर मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा का करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदनंतर शिवाचार्य मातृका न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन प्लावनादि सरलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उसकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपनी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगाकर शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे, उसका सुख पूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगल प्रशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप में वाच्य वाचक योग्य के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे।
तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव, अग्नि और गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निन्यांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। मेरे लिए प्राणों का परित्याग करना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मुंह दूर ना हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे, फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने में उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ में भस्म ले मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दें। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गुरु शरीर, लिंग अथवा यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दे दें। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रखकर ले जाएं और उनकी रक्षा करें। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु, भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दें। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और जो भी कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम को ग्रहण कर पाठन एवं श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना दूसरों की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप में समाख्यान संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्य को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अगला अध्याय षड्धोपशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्धोपशोधन करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, यही संक्षेप में 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहते हैं। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण है उसे वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्त हैं। जो इस बात को ठीक ठाक नहीं जानता वह अध्व शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक व्याय भाव को नहीं समझ सकता। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्त व्यापक भाव को ठीक ठाक जानकर ही अध्व शोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनाए। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सिर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए मंडल में
गुरु 5 कलशों की स्थापना करे, चारों को चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि के ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशाय नाम नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिम अरोधाय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की। वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की। तथा पश्चिम कलश पर ओम यम सद्दोजातम नमः सद्दोजातम स्थापयामि कहकर सद्दोजात की स्थापना करें। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत करके पूर्णहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म से ओम होम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय सिर शिखा कवच नेत्रत्रय और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग की 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य के शिखा के अग्र भाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्रग्र गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और होम पटह मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूत्र त्रयमय पाश है, भोग और भोग्यत्व का लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदनंतर शांति अतीता आदि 5 कलाओं की जो आकाश आदि तत्व रूपणी है उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। इसी तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांति अतीते कालहे नमः शांति कालिये नमः इत्यादि अथवा आकाशादि के बीच भूत हम यम रम बम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्रों अक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करें। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांति अतीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांति अतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल के उत्तराभिमुख बिठाकर
गुरु होमा वशिष्ठ चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर दो बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर दो बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मन हो उस दातुन के कोमल अग्रभाग के द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दातुन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दातुन को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया हो तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियां का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश को अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तेल और सरसों की तीन रेखाएं खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाहरी भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताएं। अगला अध्याय षड्धोपशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन तदनंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़कर शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अवनंतर गुरु उसे मंडल के दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधी रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निमालय मंडप में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दें। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी बागेश्वरी पूजा पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दें। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करें। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोषण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वार शांत में निवेदन करें। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करें। देवताओं की 8 जातियां हैं, तिर्यक योनियों की 5 और मनुष्य की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निर्दिष्ट करे। बागेश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथातथ रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति कर्मानुवृत्ति सरलता भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति आयु और भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृत्व विषयक आसक्ति
रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डालें। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाएं। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जाने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा करके और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य की आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित करके बागेश का पूजन करें, उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करें, उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक बागेश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करें। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाएं। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करें, उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करें। साथ ही उसमें व्याप्त बागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमान सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दें। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापी का बागेश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातः काल में सूर्य की भांति अरुणी रंग की है और वे दसों दिशाओं को उद्दासित कर रही हैं। इसी प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांति अतीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक बागेश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदा शिव की विधिवत पूजा करें और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दें। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन बागेश्वर देव को प्रणाम करें और उनका विसर्जन कर दें। तदनंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का पोषण करके यह चिंतन करें कि शांति अतीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। 6 अधवाओं से परे जो शिव की सर्वाध व्यापनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उनके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दें और आचार्य कैची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करें। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय बौषट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दें। फिर कैची धोकर रख दें और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दें। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाएं और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रिया लोभ जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करें। तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 बार आहुतियां दें। फिर मंत्र वैकल्पिक जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 बार आहुतियां दें।
वहाँ मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके तीन आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की श्रद्धा शुद्धि हो गई है, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संघान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करें, स्थिर तत्व अस्थिर तत्व शीत तत्व उष्ण तत्व तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म से चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उसके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव से नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग करें, फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से अप्रलाबित करें। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अधोमय शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण अधमों को व्यापक शुद्ध शांति एता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें, फिर शांति कला से मुख में, विद्या कला से गले में लेकर नाभि पर्यंत भाग में प्रतिष्ठा कला का उसके नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदनंतर अपने बीजों सहित मूल मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिव स्वरूप समझें, फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करें। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य की अरिमा आदि गुणों का भी चिंतन करें, फिर भगवान शिव में आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में तीन आहुतियां दें। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का उपपादन करें, सर्वज्ञता तृप्ति आदि अंतरहित बोध अलुप्त शक्तिमता स्वतंत्रता एवं अनंत शक्ति इन गुणों से उसमें भावना करें। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा ले उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करें। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करें। उस शैवी विद्या के आदि में ओमकार हो, वह उस ओमकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करें, यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि छंद देवता शिवा और शिव की शिव रूपता आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करें। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उसका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतविजों को अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी ना करे। अगला अध्याय साधक संस्कार और मंत्र महात्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं साधन संस्कार और मंत्र महात्म का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले ही दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें, फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावें। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन करें। क्रमशः
पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करें और इस प्रकार कहें, सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव की कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा परलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला है। ऐसा कहकर महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिवायोग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरचरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य हैं। यही पुरचरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षी के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वानकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी पवित्र स्थान तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन पर बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देव देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 1/4 करोड़ शिव मंत्र का जप करें अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करें। उसके बाद से सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थों का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल फूल आदि का भोजन करें। भगवान शिव ने 99 भोज्य पदार्थों का विधान किया है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू का कर्ण, जौ के आटे का हलवा, साग, दही, दूध, घी, मूल फल और जल, ये आहार के लिए विहित है। इन भज्य पदार्थ आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसे करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का पोषण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करें और शिवाग्नि में आहुति दें। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करें अथवा केवल घृत से ही आहुति दें। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्र मंत्र का जप किया करें। मंत्र साधना के लिए जो ऐसा करता है उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है ना कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या लक्ष्मी और सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में लेकर ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अगला अध्याय योग शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विभिन्न प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो उसका गुरु आचार्य पद पर अभिषेक करें।
योग्यता ना होने पर ना करें। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करें। इसमें चारों ओर चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांति तीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करें। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले जाकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाएं। पहले सरलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दें। तदनंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखें और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दें। तदनंतर उसको वस्त्रों आभूषण से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति और पूर्णाहुति दें। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह निवेदन करें। भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करें और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करें। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्या आसन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करें। तदनंतर गुरु से उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करें, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग होता है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार्य का अनुशासन करें, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने में अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दें। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग तथा अनसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव का, शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अध्व शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्व शोधन करे। अध्व शुद्धि हो जाने पर महादेव जी की पूजा करें। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करें तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करें, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अध्व शुद्धि का कार्य संपन्न करें। वहां शांति दीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया हो, वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति के पहले शिव का और विद्या का, उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांति अतीता धुआ प्राप्त है, उससे शांति कला धुआ, उसमें विद्या कला धुआ, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कला धुआ और उसमें निवृत्ति कला धुआ व्याप्त है।
शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक सांभव संस्कार को दुर्लभ मानकर शांत संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है, अब और क्या सुनना चाहते हो? अगला अध्याय अंतर्यार्ग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है, मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बाह्याग करें। बाह्य पूजन उसकी विधि इस प्रकार है, अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्यासन की भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर साम्य शिव का ध्यान करें। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं, उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। तीन नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। चार भुजाएं उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हुए भगवान हर अपने दोनों हाथों में बरत तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनमें कहीं भी कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमयी हैं। मस्तक पर अर्धचंद्रकार का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे हैं। शरीर का मध्य भाग क्रश है, नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुंफित केश पाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। पे दाहिनी हाथ में शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ में दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपनी हैं। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बना लें। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी अथवा श्रीकर्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद बाहरी पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करें। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदनंतर भूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकाश वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में
वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करे। अगला अध्याय, शिव पूजन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वह फूल बिखेरें, अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं, फिर कवच मंत्र के से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें, वहां सब ओर से कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र और आश्मनी पाद्य, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और भीषण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़ें। पाद्य पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनी पात्र में विशेषतः जायफल, कपूर, सहजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सब को अर्घ्य पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उनकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के ना मिलने पर सब कर्मों से एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखें और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ आदि दें। तत्पश्चात मंडल के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष भोज्य आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति सुवर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उनके शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे तीन नेत्र और चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे हाथ में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बैंत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्जवल है। मुख वानर के सादृश्य है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा है, जो मरुद गणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा लें। तदनंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निमाले अर्पित करें। तत्पश्चात ईष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे पांच फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नेतृत्व कोण में है, उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है। तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है
और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अतैश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजा वर्तमणि के समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्यामय आसन है। अरिमा आदि आठ ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के आठ दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी बामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोमय आदि अंत शक्तियां ही बीज हैं। अपर वैराग्य कर्णिका है, शिव स्वरूप ज्ञान नाल है, शिव धर्म कंध है। कर्णिका के ऊपर तीन मंडल, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और बाह्य मंडल, और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौने से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आवाहन, स्थापन, संधि निरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब के पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। तदनंतर पाद्य, आचमन, अर्घ्य, पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल देकर शिवा और शिव को शयन कराएं, अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशानादि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सरलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आवाहन करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे निश्चल अविनाशी समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान हैं। भक्तों को अनायासी दर्शन देते हैं, सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं, विद्वानों की दृष्टि पथ में नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अंत से रहित, भवरोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इन पांचों उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंत्र पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल फूल और सार तत्व से तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि के आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, सुवर्ण एवं रत्न युक्त जल और तथा मंत्र सिद्धि जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों को मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं के द्वारा, जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पाप से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पाव मास सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूत्र आदि सूत्र, अथर्वशीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशानी पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं, उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवाधिदेव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें
महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचार का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोछें, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ावें, तत्पश्चात पाद्य आचमन अर्घ्य पुष्प गंध आभूषण धूप दीप नैवेद्य पीने योग्य जल मुख शुद्धि पुनराचमन मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट आभूषण नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं छत्र चवर व्यजन ताड़ का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निराजना करें, आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल शंख दो कमल शंख विशेष सूखे गोबर की आग श्रीवत्स स्वास्तिक दर्पण वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे आठों 8 दिशाओं में रहें और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। इन नवो दीपकों में बामा आदि नव शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथ से पात्रों को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें, चारों ओर से चारों कोनों में और एक को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करते रहें। तदनंतर मस्तक पर अर्घ और सुगंधित भस्म चढ़ाएं, फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं, फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबूल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा नमस्कार स्तुति पाठ आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य या पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन ना करें। अध्याय शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीप दान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। वहां शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सत्वजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। ईशान में पूर्व भाग में दक्षिण में उत्तर भाग में पश्चिम में अग्नेय कोण में ईशान कोण में नेत्रत्व कोण में वायव्य कोण में फिर
ईशान कोण में तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है, या हृदय से लेकर अस्त पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का, तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाहरी भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के प्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुख पूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की और दोनों हाथ जोड़कर देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पदयुक्त अपने अपने नाम से पुष्पचार समर्पण पूर्वक उनका पूजन क्रमशः करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि, इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप बाहरे अथवा आभ्यंतर में भी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवी भी देनी चाहिए। किसी एक अशुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दही मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खंड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्पवासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपाड़ी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों से बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित ना हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी कुमकुम, मृग मदात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हों। गंध रहित उत्कट गंध वाले दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युत मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गुल, अगुर और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगुर, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गुल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही और घी, ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट हैं। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और कुछ भी छोटी बड़ी सुंदर वस्तुएं, सुगत शैयाएं होनी चाहिए। समुद्र गामनी, नदी तथा नद से लाया गया कपड़े से छानकर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जटित, दिव्य एवं सुवर्ण में दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य हैं। सुवर्ण भूषित दो श्वेत चमर जो रत्नमय दंडों से शोभायमान तथा दो राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद,
एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिनके मुख और पृष्ठ आदि भाग में रत्न एवं सुवर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल वाद्य विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भैरी, मृदंग, मुरज, तिमिच और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों यत्नपूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र सुवर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चार दीवारों से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों। उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदोबे में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों। दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े गए हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत और अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रवों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्योपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता हो तो उसे कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान शंकर भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपार्जित धन से भी यदि बिना कोई भक्ति के पूजा करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण होती है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा या बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों को समान फल मिलता है। जिनके पास बहुत थोड़ा धन है, वह भी मानव भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे भी वह शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान होती है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है, उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता।